अगर आपको नी पेन हो रहा है या फिर नी आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई है और इनकी वजह से लंबे समय के लिए खड़े रहने में, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में और उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, तो आज हम इस वीडियो में इनके लिए बहुत ही आसान इलाज आपको सिखाने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो यह वीडियो में आपको मैं नी मसाज की ऐसी आसान टेक्निक सिखाने वालों के जिनको अगर आप दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए भी कर लेते हो तो नी पेन और नी आर्थराइटिस में अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर नी पेन और नी आर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा रीजन होता है घुटने की आसपास की जो छोटी छोटी चैनल्स होती है जिनको आयुर्वेद में नाड़ी, एक्यूप्रेशर में मेडियंस और मॉडर्न साइंस में कैपिलरीज बोला जाता है, इसमें ब्लॉकेज यानी कि रुकावट आ जाना। तो यहां पर यह नी जॉइंट की चैनल्स में रुकावट यानी कि ब्लॉकेज आने की वजह से हमारे घुटने को सही मात्रा में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इनकी वजह से घुटने के अंदर छोटे छोटे जो वेयर एंड टेयर होते हैं उनका रिपेयरिंग काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। इनके अलावा यह नी जॉइंट की चैनल में ब्लॉकेज आने के रुकावट आने की वजह से हमारे घुटने के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स पैदा होते वह घुटने के बाहर नहीं निकल पाते और इनकी वजह से हमारे घुटने के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, सूजन आती है, दर्द होता है, घुटना हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है, वहां पर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है जिनको नी आर्थराइटिस बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में घुटने की आसपास की जो छोटी छोटी चैनल से वहां पर जो रुकावट आई है इनको दूर करने के लिए नी मसाज की बहुत ही आसान टेक्निक सिखाने वाले हैं, तो इनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर नी मसाज के लिए हमें दीवार का सपोर्ट लेके इस तरीके से बैठ जाना है, नी को हमें बेंड कर देना है, इनके बाद हमें घुटने के आसपास ऑयल को लगा देना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, आयुर्वेदिक ऑयल ले सकते हो या फिर घर में जो सादा ऑयल होता है जैसे कि तिल का ऑयल, सरसों का तेल या फिर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करके भी यह नी मसाज कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से नी के आसपास, नी के ऊपर थाई मसल पर, थाई के पीछे, फिर नी के नीचे, काफ पर और घुटने के पीछे अच्छी तरीके से ऑयल को स्प्रेड कर देना है। इनके बाद फिर हमें घुटने को अच्छी तरीके से घिसना है यानी कि रबिंग करना है। तो यहाँ पर नी को हमें वार्म अप कराना है, तो इस तरीके से 30 सेकंड के लिए घुटने को वार्म अप एक्सरसाइज करानी है। तो इनसे क्या होगा, घुटने पर आपको हल्की हल्की गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगी और घुटने के आसपास के जो टिश्यू होते हैं वह रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इनके अलावा जो घुटने के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वह भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से थाई पर, थाई के पीछे, घुटने के आसपास, घुटने के नीचे, काफ पर अच्छी तरीके से रबिंग हमें करना है। इनके बाद फिर घुटने के आसपास के जो टाइट टिश्यू होते हैं उनको हमें ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर पहले हमें जो हमारा यह नी कैप है इनके आसपास के टिश्यू को ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर पहले हमें हल्का सा लेग को सीधा करना है। इनके बाद जो हमारा यह नी कैप है इनके दोनों साइड की जो बॉर्डर होती है वहाँ पर हमारे हाथ की जो ये लिटिल फिंगर है इनकी यह वाली जो बॉर्डर है इनको इस तरीके से रख देना है। इनके बाद ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में इनको हमें घिसना है, 10 से 15 बार यह मूवमेंट करनी है। इनके बाद नी कैप के नीचे वाले टिश्यू को रिलीज करना है, वापस सेम टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इनके बाद नी कैप के जो ऊपर वाले टिश्यू होते हैं इनको हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पर हमें थंब का इस्तेमाल करके इस तरीके से ऊपर वाले टिश्यू को ब्रेक करने हैं, 10 से 15 बार यह मूवमेंट करनी है। इनके बाद फिर हमारे जो थाई मसल है इनको रिलीज करना है। तो यहाँ पर दोनों हाथ की फिंगर को इस तरीके से इंटरलॉक करना है, फिर हमारा जो थंब है इनके नीचे वाला जो यह उभरा हुआ पार्ट है इनका इस्तेमाल करके हमें इस तरीके से थाई मसल को रिलीज करना है। तो यह वाला पार्ट का इस्तेमाल करना है, दबा के अच्छी तरीके से थाई मसल को रिलीज करना है। या फिर आप जो पाम हील होती है यानी कि यह वाला जो पार्ट होता है इनका इस्तेमाल करके भी इस तरीके से थाई मसल को रिलीज कर सकते हो।
फिर थाई के दोनों साइड के जो मसल्स होते हैं इनको भी हमें यह पाम हिल का इस्तेमाल करके इस तरीके से रिलीज करना है। इनके बाद घुटने के नीचे वाले दोनों साइड के जो मसल्स होते हैं इनको भी हमें रिलीज करना है। तो यहाँ पर हमें फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद जो ये वाले नकल है यह नकल का इस्तेमाल करके इनको रिलीज करना है। तो पहले इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में हमें यह मसल को ऐसे रिलीज करना है, फिर हमें ऐसे जिगजैग मूवमेंट करके यह मसल को ब्रेक डाउन करना है। इनके बाद फिर काफ मसल को रिलीज करना है। तो यहाँ पर वापस से हमें थंब का जो यह पैड होता है इनका इस्तेमाल करके इस तरीके से काफ मसल को रिलीज करना है। फिर जो हमारी यह फिंगर है फिंगर टिप का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट घुटने के पीछे जो मसल्स होते हैं इनको हमें रिलीज करना है। इसी तरीके से सेम फिंगर टिप का इस्तेमाल करके थाई के पीछे वाले हैमस्ट्रिंग मसल को भी ऐसे रिलीज करना है। तो इस तरीके से घुटने के आसपास के ऊपर के नीचे के पीछे के सभी जो टाइट टिश्यू होते हैं उनको हमें ब्रेक करने हैं, उनको रिलीज करना है। इनके बाद फिर हमें बीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर फिंगर को ऐसे बैंड करना है। इनके बाद फिंगर का जो यह ऊपर वाला पार्ट होता है इनका इस्तेमाल करके हमें घुटने को बीट करना है। तो इस तरीके से यह वाला पार्ट का इस्तेमाल करना है। पहले घुटने के आसपास के टिश्यू को बीट करना है, इनके बाद थाई मसल को, थाई के साइड के मसल को, थाई के पीछे के मसल को, फिर घुटने के नीचे वाले मसल को, इनके बाद काफ मसल को, फिर घुटने के पीछे वाले मसल को इस तरीके से बीट करना है। उनको हल्का दबाव देके पीटना है। इस तरीके से 30 सेकंड के लिए सभी टिश्यू को हमें बीट करना है। इनके बाद फिर हमें 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। इसमें जो पहला पॉइंट है वह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारे घुटने के पीछे एग्जैक्ट सेंटर में यह पॉइंट आता है। तो यहां पर हमारे दोनों हाथ की जो मिडल फिंगर है इनकी टिप को घुटने के एग्जैक्ट पीछे यहां पर रख देना है। फिर यह पॉइंट को दबाव देना है। इनके बाद इस तरीके से सर्कुलर मोशन में यह पॉइंट को इस तरीके से रिलीज करना है। 10 सेकंड के लिए यह पॉइंट को मसाज देना है। इनके बाद हमारा जो यह नी कैप होता है इनके नीचे दोनों साइड पर यहाँ पर आपको सॉफ्ट पार्ट मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें दोनों हाथ के थंब के टिप को रख देना है। फिर इनको भी हमें इस तरीके से 10 सेकंड के लिए मसाज करना है। और लास्ट में हमें घुटने को कूल डाउन करा देना है। तो यहाँ पर हमने जो यह मसाज किया उस वक्त हमारे जो आसपास के टिश्यू होते वहाँ पर एनर्जी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो वापस से वह एनर्जी को बैलेंस में लाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर घुटने के आसपास के सभी टिश्यू को हमें हल्के हाथ से मसाज करके उनको कूल डाउन कराना है। तो पहले इस तरीके से घुटने के आसपास हल्के हाथ से मसाज करना है, फिर थाई पर इस तरीके से हल्के हाथ से मसाज करना है, थाई के साइड पर, थाई के पीछे, फिर घुटने के पीछे, घुटने के नीचे, काफ पर, इस तरीके से हल्के हाथ से घुटने के आसपास के सभी टिश्यू को मसाज करके कूल डाउन करना है। और अंत में दोनों हाथ को घुटने के ऊपर रख देना है, आंखें बंद करनी है। इनके बाद 10 बार डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें करनी है। ब्रीद इन स्लोली स्लोली, ब्रीद आउट, इस तरीके से 10 बार हमें गहरे सांस लेने हैं और छोड़ने हैं। तो इस तरीके से हमें नी मसाज करना है। तो आज से यह नी मसाज की टेक्निक को करना शुरू कर दीजिए तो आपको नी पेन और नी आर्थराइटिस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।